कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 इकाई 7 अवकलज के अनुप्रयोग। वक्र y बराबरी से 4x3 - 2x5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती। क्या दिए गए वक्र का समीकरण दिए गए काहे का वक्र का समीकरण क्या है हमारे पास? y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵। इक्वेशन फर्स्ट। एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर dy/dx इक्वल टू क्या 4 × 12x² ऋण 10x⁴। क्या बिंदु x y पर कौन से बिंदु एक्स वाई पर बिंदु एक्स वाई पर क्या स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता 12x² ऋण 10x⁴ बिंदु एक्स वाई पर बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का क्या समीकरण y-y इक्वल टू प्रवणता 12x² ऋण 10x⁴ कितनी 4 कैपिटल x-x। ये y-y1 x-x1 और ये है उसकी प्रवणता। ये हमारे पास है समीकरण नंबर कौन सा 2। क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है क्योंकि कौन सी रेखा स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। ऐसी स्थिति में अतः हम किसकी जगह पर ये जो कैपिटल y और कैपिटल x है इन दोनों की जगह पर हम 0 रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यही समीकरण क्या बन जाएगा ऋण y बराबरी से 12x² ऋण 10x⁴ ऋण x ऋण से ऋण कट गया तो क्या माना गया वह बराबरी से 12x³ क्या ऋण 10x⁵। ये समीकरण नंबर मान लो तीसरा। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या परंतु हमारे पास दिया है y बराबरी से 4x³ - 2x⁵। ये दिया है इसका मतलब ये दोनों के बाएं पक्ष तो बराबर है तो दाहिने पक्ष भी कैसे होंगे बराबर होंगे। तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 4x³ ऋण 2x⁵ बराबरी से 12x³ ऋण 10x⁵ - 5। इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 10 धन हो जाएगा ये ऋण हो जाएगा ये ऋण हो जाएगा ये धन हो जाएगा तो क्या बचेगा ये हो जाएगा 8x⁵ ऋण 8x³ बराबरी से 0। मतलब क्या x⁵ ऋण x³ बराबरी से 0। दोनों पदों से अगर x² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x³ को क्या हो गया x² - 1 इक्वल टू क्या 0। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा x = 0 आएगा ±1। जब x की वैल्यू को हम 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी देखिए y = 4 × 0³। हम जानते 12x³ ये हमारे पास जो ये कंडीशन
फोर इंटू एक्स क्यू माइनस टू इंटू एक्स फाइव, तो ये तो जीरो आ गया। जब हम x को 1 के इक्वल लेंगे तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 रेस टू 5 इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा 4 ऋण 2 बराबरी से कितना 2। जब x को हम ऋण 1 लेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 4 ऋण 1 की घात 3 ऋण 2 ऋण 1 की घात 5 होगा। ये मान होगा ऋण 4 धन 2 बराबरी से कितना ऋण 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अभीष्ट बिंदु आ गए, अतः कौन से अभीष्ट बिंदु हमारे पास कैसे हो गए, पहला होगा 0 0, फिर होगा 1 2, और क्या है -1, -2 है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर, धन्यवाद।